तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या तो फिर आपका पैन कार्ड कहीं पे चोरी हो गया है या तो फिर आपका पैन कार्ड बहुत पुराना हो चुका है, फट गया है और उस पैन कार्ड को आप रिफिंड करना चाहते हो, यानी कि दोबारा घर बैठे नए मंगाना चाहते हो, तो दोस्तों आपने सही वीडियो ओपन किया है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, पुराना हो चुका है या तो आपके पैन कार्ड जो है चोरी हो गया है और उस पैन कार्ड को आप दोबारा नया मंगाना चाहते हो, तो दोस्तों आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन के थ्रू घर बैठे उस पैन कार्ड को आप दोबारा नया मंगा सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप घर बैठे आप दोबारा उस पैन कार्ड को आप नया कैसे मंगा सकते हो। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, आगे भी आपको पैन कार्ड से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज मिलते रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने पैन कार्ड को नया दोबारा घर बैठे मंगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल फोन पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, एंड गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है पैन कार्ड रिफंड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सर्च कर देना है, एंड पैन कार्ड रिफंड सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों आपको पता है पैन कार्ड जो दो साइड से बनता है, एक UTI एंड दो नंबर NSDL से। तो दोस्तों अगर आप NSDL से पैन कार्ड बनाए हैं और उस पैन कार्ड को आप घर बैठे रिफिंड करने चाहते हो यानी कि दोबारा मंगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऊपर वाला लिंक देख सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर रिफिंड ऑफ पैन कार्ड NSDL, तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आप UTI से पैन कार्ड बनाए हैं और उस पैन कार्ड को आप दोबारा घर बैठे मंगाना चाहते हो, तो आप नीचे दो नंबर वाला लिंक देख सकते हो, रिप्रिंट पैन कार्ड UTI ITSL, तो आपको इसी दो नंबर वाला लिंक पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप लिंक पर क्लिक कर सकते हो। तो मेरा पैन कार्ड यहाँ पे NSDL से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देता है, एंड फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पैन कार्ड को रिप्रिंट करने के लिए आपके यहाँ 50 रुपये का पेमेंट करना होता है, ठीक है। 50 रुपये का पेमेंट करने के बाद ही आपका पैन कार्ड जो है ऑर्डर हो जाता है। तो दोस्तों अपने पैन कार्ड को ऑर्डर करने के लिए, रिप्रिंट करने के लिए आपके यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है, एंड नीचे आने के बाद आपके यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आधार नंबर, तो आपको आपका जो भी आधार नंबर है आपको इस बॉक्स पर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मंथ ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ का आपको यहाँ पे मंथ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर ऑफ बर्थ, तो जिस साल भी पैदा हुआ है उस साल को आपको यहाँ पे फिर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे इस बॉक्स पर टिक कर देना, आप देख सकते हो इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपके पे नीचे आ जाना, एंड नीचे आने के बाद आपको सेम टू सेम इस कैप्चा कोड को डाल देना इस बॉक्स में। उसके बाद आपके पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने पैन नंबर, आधार नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पे देख सकते हो इस बॉक्स में टिक कर दे, ठीक है। उसके बाद आपके पे नीचे आके सिर्फ आपको इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है इस बॉक्स में। उसके बाद आपके पे सबमिट पर क्लिक कर देना है, एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अपने पैन कार्ड का पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि देख सकते हो ये मेरा पैन नंबर है, एंड पैन नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड जो भी ईमेल आईडी जुड़ा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपका पैन कार्ड का पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे नीचे आ जाना है, एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू द रिसीव OTP, तो आपको अपने पैन कार्ड को रिप्रिंट करने के लिए आपके यहाँ पे एक OTP रिसीव करना है। तो दोस्तों OTP आप किस में रिसीव करना चाहते हो, जो कि देख सकते हो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स। तो अगर आपने OTP को ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों में अगर आप मंगाना चाहते हो तो आपके यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव करना चाहते हो तो सिर्फ आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ अपने ईमेल आईडी में OTP रिसीव करना चाहते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर दे। उसके बाद आपको फिर से इस खाली बॉक्स पर टिक करके नीचे आपको जेनरेट OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड जनरेट OTP में क्लिक करने के बाद आपके पैन कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपके यहाँ पे नीचे फिल कर देना है, एंड OTP फिल करने के बाद आपके यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, एंड वैलिडेट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख दो मोड ऑफ पेमेंट, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है 50 रुपये का, तो आप यहाँ पे जो है ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे देख दो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू PayTM, एंड आप नीचे देख दो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू विल्डेज, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू विल्डेज वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप PayTM से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू PayTM यानी कि ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है,
एंड नीचे आने के बाद आपको फिर से इस खाली बॉक्स पर टिक कर देना है एंड आपके पे पेमेंट टू पोर्चेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से पे कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड पे कन्फर्म वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आपके यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। एंड वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, QR कोड, तो आप इन सब के जरिए से जो है पेमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे UPI सिलेक्ट कर दिया, तो आपके यहाँ पे यूजिंग UPI ऐप वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपके यहाँ पे थोड़ा फिर से यहाँ पे लोडिंग लेगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अमेजन पे, फोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे फोन पे सिलेक्ट कर दिए। एंड फोन पे सेलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा लोडिंग, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए दोस्तों आपके यहाँ पे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड पे वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका जो भी UPI पिन है आपके यहाँ पे UPI पिन डाल देना है। तो आपके यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के लिए आपके यहाँ पे नहीं दिखाएगा, तो मैं यहाँ पे अपना UPI पिन डाल देते हैं। एंड UPI पिन डालने के बाद आपके यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट जो है मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपके फिर से पे डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, तो आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपके यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो फाइनली दोस्तों मेरा यहाँ पे जो है पेमेंट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट का ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे शो हो चुका है। तो नीचे आपके यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जेनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, तो आपको यहाँ पे एक पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा, उस पेमेंट रिसिप्ट को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे जेनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे जो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे मेरा PDF यहाँ पे शो हो चुका है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद चलिए दोस्तों यहाँ पे शो कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पेमेंट रिसीव है। एंड आपको यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, जो कि देख सकते हो ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो आपको इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू जो है आप अपने पैन कार्ड का रिप्रिंट स्टेटस चेक कर सकते हो कि कब तक आपका पैन कार्ड जो है अपना घर तक आएगा। जी हाँ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो आप इस नंबर के थ्रू जो है अपने पैन कार्ड का रिप्रिंट का ऑर्डर मतलब स्टेटस चेक कर सकते हो कि कब तक अपना पैन कार्ड जो है अपने घर तक आ जाएगा। दोस्तों आपको वो लगभग 15 दिन का वेट करना है। 15 दिन के बाद आपको जो है बाय पोस्ट के थ्रू आपका घर तक आपका पैन कार्ड जो है पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से अपने पैन कार्ड को जो है दोबारा रिप्रिंट कर सकते हो, यानी कि नए घर बैठे ही मंगा सकते हो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस जो कि मैं आपके पे लाइव प्रोसेस बता दिए। तो दोस्तों अगर आपका भी पैन कार्ड खो गया है या तो आपका पैन कार्ड चोरी हो गया है, तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है घर बैठे अपने पैन कार्ड को नया मांगा सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपने घर बैठे अपने पैन कार्ड को कैसे रिप्रिंट कर सकते हो। एंड इस वीडियो की मदद से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर करेगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। आगे भी आपको पैन कार्ड से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज मिलते रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।